हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे मेथी आलू का पराठा, वो भी एकदम अलग स्टाइल में। इसके लिए ले लिया है आटा, मेथी काटकर, उबले हुए आलू, हरी मिर्ची, धनिया, साथ में अजवाइन, सारी चीज़ें ले लेंगे। एक बाउल लेंगे और उसमें डाल देंगे आटा, साथ में मेथी, इसको मैंने पहले ही धो लिया था काट कर। और इसके बाद डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और साथ में ही अजवाइन डाल देंगे हल्का सा क्रश करके, ताकि बहुत अच्छी खुशबू आए। पराठे में आप ज़रूर डालिएगा अजवाइन, इस वाले में बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर। सबसे पहले ना मेथी को ऐसे आटे के साथ मिक्स कर लेंगे, पता चल जाएगा कि कितना पानी है, क्योंकि मेथी से भी मॉइस्चर रिलीज होगा। और साथ में ही हल्का सा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा आटा लगाकर हम इसे तैयार कर लेंगे। आटा लग चुका है, हल्का सा ऑयल लगाकर इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। सेम बाउल में मैंने ले लिए हैं आलू, इनको फोड़ लेंगे। और उसके बाद जब ये फूट जाए ना, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किए हैं क्योंकि आलू ना इस वक्त बहुत ज़्यादा सूखे सूखे नहीं आ रहे हैं, तो मैं हाथ से ही इन्हें फोड़ लूँगी। इसमें जाएगा हरा धनिया, साथ में मिर्ची बारीक काट कर, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं मिर्ची। और इसके साथ ही इसमें जाएंगे कुछ मसाले, नमक टेस्ट के हिसाब से, इसके साथ ही धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सारी चीज़ें डालकर। और थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें हींग, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे, ज़रूर डालिएगा। और सारी चीज़ों को डालकर हमें कर लेना है इसे अच्छे से मिक्स। आटा हमारा इधर 10 मिनट इसे रखे हुए हो चुके हैं, तो इसको हल्का सा एक बार और गूंथ लेंगे। इससे ना बहुत अच्छा हो जाता है हमारा आटा एकदम सॉफ्ट। तो लोई तोड़ लेंगे, जितने भी बड़े छोटे जैसे भी हमें बनाने हैं उस हिसाब से। और सबसे पहले इसे आटे से डस्ट करके इसको हमें बेल लेना है पूरा, जितना भी बड़ा ये है उस हिसाब से हमें ये पूरा बेल लेना है। थोड़े अलग तरीके के पराठे होंगे, आप देखना, हम इन्हें ट्रायंगल शेप में बनाएंगे और टेस्ट तो भाई इनका इतना मज़ेदार लगता है। और अब जो हमारी स्टफिंग है ना, उसको रख देंगे हम पराठे के ऊपर और इसको ट्रायंगल शेप में हम फैला देंगे। और चारों तरफ से ना थोड़ी थोड़ी जगह इसमें हम छोड़ देंगे ताकि इसको हम फोल्ड कर सकें। तो इसको कर लेंगे अब फोल्ड। ये पराठा देखने में जितना सुंदर लगता है और खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने शेप दे दी है इसे हल्का सा आटा लगाकर, हम इसे बेल लेंगे हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। और देखिए हमारा ये पराठा भी बिलकर तैयार है। इस तरीके से ही हम अपना दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। बहुत आसान है और जिनसे ना पराठे गोल नहीं बनते वो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी फटता नहीं है ये पराठा। और देखने में तो खैर लगता ही है बहुत ज़्यादा सुंदर, ख़ास तौर से बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं अलग अलग शेप्स की, उनको आप इसे लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। जो लोग मेथी नहीं खाते हैं वो इस तरीके से पराठा या रोटी बनाकर खा सकते हैं, बहुत हेल्दी और टेस्टी ये होते हैं। तो देखते ही देखते देखिए दूसरा भी पराठा हम भर लेंगे और इस पे इससे भी आटे से हल्का सा डस्ट करके इसको भी हम फटाफट से बेल लेंगे। इधर देखिए मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया था, ये गरम हो चुका है, तो इस पे डाल दूंगी मैं अपना ये पराठा और इसे ना पलट देंगे। और उसके बाद मैं इस पे लगा दूंगी घी, आप चाहें तो बटर डाल सकते हैं, ऑयल में सेक सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में सेक सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली पराठे देसी घी से ही बनाती हूँ। तो दोनों तरफ से इसे अलट पलट कर हम अच्छे से सेक लेंगे। कितना बढ़िया पराठा बना है, आप देख सकते हैं कि किनारों से ना स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं निकली है। लोगों को इस तरीके के पराठे बनाने में दिक्कत होती है, स्टफिंग बाहर निकल जाती है, लेकिन आप इसमें देखिए बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो इसे दोनों तरफ से अलट पलट कर हम अच्छे से सेक लेंगे। और कलर देखिए कि आप कितना अच्छा आया है, और ये पराठे ना खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। इस तरीके से ही हम दूसरा पराठा भी बेल कर फटाफट से घी लगाकर तैयार कर लेंगे।
तो देखिए हमारे सुपर टेस्टी ये आलू मेथी के पराठे बनकर तैयार हैं, और कितने सॉफ्ट ये पराठे बने हैं, और मैंने भर भर के स्टफिंग डाली है, बहुत टेस्टी ये बनकर तैयार हुए हैं। साथ में ही मैंने रख दी है आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी और ये मिर्ची का इंस्टेंट वाला अचार जो कि मैंने अभी डाला था। तो देखिए हमारी टेस्टी सी थाली तैयार है। वीडियो और अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।